चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बल्ला गांव में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। परिवार वालों पर बेटी को मारकर अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। लड़की के पति ने ही ये आरोप लगाया है, परिवार वालों पर बेटी को मारकर अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। और ये आरोप किसी और ने नहीं, लड़की के पति ने ही लगाया है। पति का कहना है कि शनिवार को फोन आया था, जिसमें उसकी पत्नी यानी कि मृतका ने जान का खतरा बताया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ युवती ने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते परिवार वाले नाराज चल रहे थे। मार्च में रोहतक के मकरौली गांव के युवक से ये प्रेम विवाह किया गया था। शादी के बाद से परिवार को जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए लड़की मायके आई हुई थी, लेकिन इसी बीच लड़की की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो कुछ और लोग और भी आए हैं उसके साथ, तो उन्होंने कहा कि हमने मैरिज की थी, ज्योति नाम की लड़की थी बड़ा की, तो कोर्ट मैरिज हमने की थी और वो बड़ा में आई थी अभी एग्ज़ाम देने के लिए। तो हर रोज़ बात होती रहती थी, तो कल भी बात हुई, तो बात में उसने कहा कि भाई घर वाले मेरे जो है इस चीज़ के लिए सहमत नहीं है और मेरे साथ मारपीट वगैरह करते हैं, जो एप्लीकेशन में इन्होंने हमें दिया है, और मुझे खतरा है कि वो मुझे मार ना दे कहीं। तो आज फिर इन्होंने बात की, तो बात करने पे जो है फ़ोन नहीं उठा, तो इन्होंने इनके पिताजी से, ज्योति के पिताजी से बात की, तो एप्लीकेशन के वर्जन के मुताबिक जो है पिताजी ने ये कहा कि भाई उसको हमने मार दिया है और अब तेरी बारी है। तो इन्हें वे मर्डर की जो है इसमें कंटेंट्स हैं सारे के सारे, तो एप्लीकेशन इन्होंने मूव किए। आपको बता दें कि युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार वाले नाराज चल रहे थे, ऐसा मृतका के पति का कहना है। इसके अलावा ये भी कहा है कि शनिवार को मृतका की तरफ से फ़ोन भी आया था, जिसमें उसने जान का खतरा बताया था। करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, बल्ला गांव में हॉरर किलिंग का एक पूरा मामला सामने आया है। मृतका के पति का आरोप है कि मृतका के परिवार वालों ने ही उसकी हत्या करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बल्ला गांव में हॉरर किलिंग का एक पूरा मामला है। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और परिवार को मनाने युवती पहुंची हुई थी, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई। मृतका के पति का आरोप है कि घर वालों ने ही उसकी हत्या की है। कमल मिड्डा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सहयोगी। कमल, क्या है पूरी जानकारी? बल्ला गांव का यह मामला है, जहां पर कल देर रात जो मृतका विवाहिता है उसके पति और उसके परिजन जो है थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को शिकायत दी जाती है जिसकी पत्नी के साथ उसकी शादी करीब 2 महीने पहले हुई थी। दोनों प्रेम विवाह करते थे, लेकिन उसके घर वालों ने उनको जो है वापस बुला लिया और लड़की को जो है बंधक बनाए रखा था और उसको जो है कल परसों रात को ही मार दिया और उसके चोरी छुपके संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस है लड़के के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पुलिस की खास तौर पर मान रही है कि मामला कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का हो सकता है, तो पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन कर रही है। तो क्या कुछ अब तक छानबीन में आया है कमल? क्योंकि बड़ा सनसनीखेज मामला है, इस तरह से मौत हो जाती है, उसके बाद अंतिम संस्कार भी किया जाता है, जो आरोप है पति के बेहद गंभीर है। कोई गिरफ्तारी हुई है? कुछ पूछताछ में खुलासा हुआ है परिवार की तरफ से? जी, फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन इतना पता चल पाया है कि दोनों एक ही बिरादरी के थे और कहीं ना कहीं जो लड़का था वो इतना अमीर नहीं था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं लड़की के परिजनों को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। लड़की जो है करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी और लड़का भी जो है यहाँ पर आया जाया करता था। दोनों ने 2-3 महीने पहले ही जो है प्रेम विवाह किया था और गाजियाबाद में शादी कर दिल्ली की कोर्ट से उन्होंने शादी की थी जी। लेकिन किसी कारणवश वो लड़की अपने घर आ गई और परसों ही जो है लड़की को बताया जाता है कि मारकर उसका चोरी छुपे संस्कार कर दिया गया। वहीं जब लड़की के पिता से बात हुई तो उनका कह रहा था कि हमने अपनी बेटी को मार दिया है और तुम भी अगर यहाँ आए तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो इसी चीज से कहीं ना कहीं पता चलता है कि मामला होना बिल्कुल है और किलिंग के चलते लड़की की हत्या कर दी गई। शुक्रिया आपके कमल तमाम जानकारी के लिए।